नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस बोर्ड से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप? आप बीजेपी से लड़कर के आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस बोर्ड ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, अब जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना। अभी कुछ मिलेगा उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी, कुछ कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई है। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा, इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बनाकर के तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगी, उसमें शामिल करें सब लोगों को। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी जो जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है? ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? हमारी सुन करके बता रहे हो, कोई अपनी बात बताओ। अरे कोई नई बात हो तो बताओ। आपके विधायक जाते हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि आपको खैरो खबर नहीं, इस तरह के आरोप पर क्या कहेंगे अध्यक्ष? जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। और आपको तो ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम से क्या सीख रहे हैं। उनकी मर्यादा कहां है? आपको मंत्री बनाएंगे, आपको कुछ और बढ़ा दे देंगे। अभी एक पत्रकार साथी कह रहे थे किसी को लोकसभा दे देंगे, तो अभी तो वादे किए हैं, वादे कब पूरे होंगे? और जब वादे पूरे नहीं होंगे तो बीजेपी कैसे रोक पाएगी उन सबको? लेकिन अभी आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी तो जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी। उनके सामने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने संकट पैदा किया है। क्या कुछ की वापसी की उम्मीद है, क्योंकि अभी आपने कोई कार्रवाई की नहीं है? आप भी यहीं रहते हो, हम भी यहीं रहते हैं। और सुभाषपा के दो लोग इधर आ गए, क्या पार्टी ज्वाइन करेंगे? नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज? जैसा दाना वैसा गाना। अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं कोई। कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी, तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है, कि कोई खाली हाथ लौटा है। अध्यक्ष
हमारा मैनेजमेंट नहीं, अब स्वार्थ किस पे स्वार्थ नहीं छिपा, लालच लोभ सरकार, सरकार का दबाव कितना है सोचिए आप। मैंने आपसे क्या कहा, जिस समय सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई उस समय सरकार के बारे में क्या कहा गया, गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ उस समय सरकार के बारे में क्या बोला जा रहा था, एक मां बेटी जिंदा जला दी गई, मां बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चला करके, तब इनकी अंतरात्मा कहां थी, तब अंतरात्मा हमारे साथ थी। ये मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम हुआ है। लेकिन तोड़फोड़ तो आपने भी कर दी सामने भाजपा में, आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा, एसटीएफ, एसटीएफ एक एजेंसी है, कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहां का था, तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं, हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा। क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा हुआ पार्शियल पेमेंट, मतलब पार्शियल पेमेंट हुआ है इसलिए मैं पीपी लिख के जा रहा हूं, एफपी नहीं लिखा उन्होंने, फुल पेमेंट। जो नियम है उसके तहत कार्रवाई, आप भी समझते हो नियम क्या है भाई, स्पीकर अगर चाहेगा तो कार्रवाई होगी, स्पीकर नहीं चाहेगा तो नहीं कार्रवाई होगी। लेकिन पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं, अभी तो जनता कार्रवाई करेगी जब जनता के बीच में ही जाएंगे। आप ये चाहते हो कि हम आजाद कर दें उन्हें, अरे हम लोग, आप लोग चाहते हो हम लोग आजाद कर दें उनको, जो नियम है उसके तहत कार्रवाई होगी, और आपको भी नियम की सीमा पता है, अगर स्पीकर चाहेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आप बताओ कोई पार्टी बची हो तो, कोई विवाद नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, कोई विवाद नहीं हुआ, हमने कहा कि सब अंतरात्मा से आप वोट दे दिए, अगर आपकी अंतरात्मा बीजेपी को कहती है बीजेपी को वोट दीजिए, अगर अंतरात्मा कहती है सपा को वोट दीजिए सपा को वोट दीजिए। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा वो हमारे साथ है कि नहीं है। ये मुझे लगता है कि प्रेस दूसरों का समर्थन ज्यादा करती है। चीफ विप नया बन जाएगा। अखिलेश जी का पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी थी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं, मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर तीन तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं एक्स पे लिखा होगा, तो क्या हुआ, क्या मतलब निकालूं मैं। आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी आपने कहा कि वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं, अगर कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। कौन सा चैनल है ये? अब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करिए और गुड्डू जमाली साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए।